गुड मॉर्निंग। चलिए मेरे और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह मैं आज बना रही हूँ सैंडविच। सैंडविच के जो मतलब चटनी वगैरह है सब कल रात को ही बना के रखी थी। पता है कल रात को ये चटनी बनाने बनाते टाइम क्या हुआ था, लाइट चले गए थे और धीरे धीरे बारिश भी हो रहा था और बहुत हवा भी चल रहा था। लाइट गए थे तब कुछ 7:30 बजे की टाइम था, रात के 12 बजे लाइट आए थे। ऐसा ही हुआ था कल रात को। उसके बाद मून को हम फाइल रहते हैं ना, वो फाइल के पीछे से हवा दिया था, क्योंकि हमारे पास कोई वैसे पंखा रहते हैं ना हाथ में जो यूज़ करते हैं वो ऐसा टाइप का नहीं था। तो चलो एक बार शेयर कर देती हूँ कैसे मैं सिंपल तरीके से सैंडविच बनाती हूँ। मून को टिफ़िन में आज यही सैंडविच दे दिया। सबसे पहले तो वाइट ब्रेड लिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा बटर लगाई, उसके बाद थोड़ा सा चटनी, ग्रीन चटनी और फिर टोमेटो सॉस। मून के पापा को टोमेटो सॉस नहीं पसंद तो इसीलिए उसमें नहीं दिया। और बाद में जो स्लाइस करके हम डालते हैं ना, आलू प्याज ककड़ी वगैरह जो भी, मैं वैसे स्लाइस करके भी डालती हूँ, और नहीं तो छोटा छोटा बारीक कट करके उसमें मेयोनीज़ डाल के उसको थोड़ा मिक्स करके फिर डाल देती हूँ। उसमें जैसे कि निकालने की कोई चांस नहीं रहती और बहुत मतलब ज़्यादा स्टफिंग भी हम डाल सकते हैं। और उसके ऊपर से थोड़ा सा हर्ब्स डाली हूँ, मिक्स हर्ब्स। बस इसी को बटर में थोड़ा सा रोस्ट मतलब टोस्ट कर लूँगी। उसके बाद रेडी है मेरा सैंडविच। सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बस यही लेंगे। उनका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है, उनको एक्चुअली हुआ था रैशेस तो उसके लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था मैंने, और उसके बाद अभी वो ठीक हो चुका है। तो उसका एक वैक्सीनेशन है चिकन पॉक्स का। चिकन पॉक्स का 3 वैक्सीनेशन रहते हैं, मून को 2 लेना हो गया है 4.5 साल के बाद, उसका डोज थोड़ा कम हो गया। डॉक्टर बताए थे 4.5 साल का मतलब के बाद बच्चों का जो वैक्सीनेशन का डोज रहते हैं चिकन पॉक्स का, वो थोड़ा कम होते जाता है। और अभी जो टाइमिंग चल रहा है ना, अभी वायरल में बच्चों को चिकन पॉक्स ही चल रहा है। तो उनके पापा ने बोला इसमें देरी नहीं करने का, एक बार जाके वैक्सीन दे के आने का। एक हफ्ता पहले उसका अपॉइंटमेंट था पर उसको रैशेज हो गया था तो डॉक्टर ने मना कर दिया था। अभी थोड़ा ठीक हुआ है और मुझे हो गया है। पता है किस चीज़ से हुआ है, क्यों हुआ है, मैं दिखाऊंगी बाद में। आप लोग तो निशान देख के आप लोगों को लगेगा कि शायद कोई मुझे मारा है, जैसे कि हस्बैंड टॉर्चर करते हैं ना जैसा, वैसा पूरा निशान बन गया है पता है। और मून को भी सेम वैसे ही निशान बना था, पर वो कोई मतलब मारने पीटने का निशान नहीं था, वो एक मतलब एक्चुअली वो था एक्जिमा टाइप का जिसमें एलर्जी होते हैं। मेरा भी सेंसिटिव स्किन है और मून का भी सेंसिटिव स्किन है, तो हम दोनों को ही हुआ था। और अभी धूप बहुत था तो इसीलिए टोपी लगा के आई थी। उसके बाद मून को डॉक्टर दिखा के लाने के बाद अभी मून को ट्यूशन भेज दिया। उसके पापा आए थे, उसके पापा ही लेके गया था। और मेरा जो भगवान का मंदिर है ना, देखो भगवान का मंदिर के इधर जो ड्रॉयर है इसके अंदर कितना ज़्यादा कचरा पड़ा है, एकदम अच्छा नहीं लगते। ड्रॉयर में ज़्यादा सामान गिरा हुआ रहते हैं या फिर थोड़ा बहुत भी कुछ फैला हुआ रहते हैं। तो मैं जितना हो सके उतना कोशिश करती हूँ ना कि मेरे घर का जितना सारा ड्रॉयर है, क्या बोलूँ, सब चीज़ों में ही मेरा ड्रॉयर है। हर एक जो कैबिनेट है उसमें ड्रॉयर ही ज़्यादा है, तो जितना हो सके उतना साफ़ करके रख रही हूँ। और जो चीज़ मून सबसे ज़्यादा गंदा करते हैं वही सारे चीज़ों को मैं इकट्ठा करके एक कोने पे रखूँगी। और छोटा मोटा जो सामान है ना उसको सबको बैग में भर के ये नीचे की एक ड्रॉयर में रख दूँगी। ऐसे करके थोड़ा सेटल करके रखने से ना थोड़ा सा मैनेज भी रहते हैं और फिर मून देख भी नहीं पाते, उसको निकालते भी नहीं। हाँ, पर मून सिर्फ मून अकेला ही नहीं ये सब गंदगी करते हैं, मून बहुत ही कम करते हैं अगर बोलूँ तो। ज़्यादा ये सब गंदगी नहीं, वो पसंद भी नहीं करते, करते भी नहीं। पर क्या ना, घर में जब एक साथ 2-4 बच्चा आते हैं ना तब हो ही जाते हैं, तो इसीलिए वो बच्चे को अपने आँखों में ना आए ऐसे ऐसे सामान को मैं इधर छुपा के रख रही हूँ। क्योंकि खिलौना जो एक्स्ट्रा रहते हैं वो सामने रखूँगी, आने के बाद उसी से खेल लेगा, और ये जो सामान उनको लग सकता है या फिर पैर के ऊपर गिरने से चोट आएगा वो सारे सामान थोड़ा छुपा के रखते हो। चलो ये सब काम करते करते ही मेरा 1 घंटा निकल जाएगा, उसके बाद झाड़ू पोछा भी कर लूँगी। और देखो मेरा जो कॉइन होता है ना घर में, या मतलब कॉइन, वो मेरा इधर उधर बहुत पड़ा हुआ रहता है। पर मैंने एक ये भी लगा था, पिगी बैंक भी रखा था जिसके अंदर कॉइन रखती थी, फिर भी इधर उधर 1-2 निकाले जाते हैं। पर जिस दिन पूरा घर साफ करते उस दिन जितना कॉइन निकालते वो सब इकट्ठा करके रख देती हूँ। और बस चलो ये सब कुछ थोड़ा साफ़ करने के बाद और भी जो सारे जगह है ड्रॉयर में वो सब कुछ साफ़ करूँगी। एक्चुअली पता है क्या मतलब, पता है मून जब कोलकाता जाती थी ना
तब उनको बहुत ज़्यादा ही वो एलर्जी का प्रॉब्लम होता था, क्योंकि हमारे गांव में मतलब हमारे ससुराल में बहुत पेड़ पौधा है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा, तो उसमें ना बहुत छोटा छोटा टाइप का कीड़ा रहते हैं। वो मुन के पापा को भी बहुत काटते थे और मुन को भी बहुत काटते हैं, पर मुझे नहीं काटते हैं। और मुन को काटने से ना एकदम ब्लैक होके उधर से एकदम निशान हो जाते हैं और भयानक हो जाते हैं, और उसको सर्दी का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं कोलकाता जाने के बाद। इसीलिए ऐसे तो मुन बहुत खुश होती है उधर जाने को, पर जब भी जाती हूँ ना तब भी मुझे दवाई लेके जाना पड़ते हैं, नहीं तो उधर जाके मुन को दवाई देना पड़ते हैं, यही करना पड़ते हैं, पता है। चलिए आज आप लोगों के साथ एक हेल्दी टेस्टी आसान तरीके का दाल शेयर करती हूँ। अगर आपके बच्चे या फिर आप मतलब कड़वा चीज़ खाने से डरते हैं तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। ये दाल, ये कड़वा दाल जो है, मैंने इसमें ना करेला डाली हूँ। करेला को ना थोड़ा नमक हल्दी लगा के अच्छे से फ्राई कर लेने का, उसके बाद उसी तेल में थोड़ा सा मेथी, तेजपत्ता और सूखा मिर्ची डालने का। मैं मिर्ची नहीं डाल रही हूँ एक्चुअली, हमारे मेरे ससुराल में बोलते हैं कि करवे में तीखा नहीं डालने का, इसीलिए नहीं डाल रही हूँ मैं। पर सूखा मिर्ची देखो फटाके नहीं डाली हूँ, उसको अक्खा डाली, उसका जो फ्लेवर है वो मतलब तेल में आ जाएगा इसमें, और कोई मसाला नहीं। साइड में मैंने मूंग का दाल को, कच्चा दाल, उसको रोस्ट नहीं किया, मूंग के दाल को बॉईल करके उसके अंदर थोड़ा पानी देकर उसको जितना मतलब हमको लिक्विड चाहिए वैसा बनाई हूँ। उसके बाद जो करेला मैं फ्राई किया था वो उसके अंदर डाल दी हूँ। उसके बाद अभी देखो छौंक लगाई थी, उसके बाद पूरा डाल मतलब डाल दूँगी। उसके बाद नमक और हल्दी डाल के धीमी आँच में इसको अच्छी तरह से उबालने देंगे। उसके बाद रेडी है मेरा कड़वा दाल। मैं ऐसे मैंगो दाल भी बनाती हूँ, कड़वा दाल भी बनाती हूँ। गर्मी में ना ये सब बहुत अच्छा होते हैं, आपके हेल्थ के लिए भी और आपके जल्दी किचन से निकालने का भी एक आसान तरीका है। और अभी बना रही हूँ फिर से और एक सब्जी। एक्चुअली आज सैटरडे है तो वेज बनता है हमारा, तो दो सब्जी बनाई थी उसमें से एक आप लोगों को शेयर करती हूँ। इसमें है पपीता है, रॉ पपीता, बैंगन, आलू और रॉ बनाना, ये सब कुछ है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना इसमें राधुनी चौक लगाई हुई, एक्चुअली कोलकाता में मिलता है, इधर नहीं मिलेगा। आप लोग चाहे तो कालूंजी चौक लगा सकते हो, पाँच फोरन भी चौक लगा सकते हो। तो चौक लगाने पर बस नमक हल्दी डाल के धीमी आँच पे इसको फ्राई करने का। जब ये फ्राई हो जाते हैं क्या ना, तब निकाल लेने का, बस पानी डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट बना के। इसमें थोड़ा सा मैंने रोस्टेड मसाला भी डाली थी, और वो है धनिया, जीरा, सूखा मिर्च, तेजपत्ता का रोस्टेड जो मसाला बना के रखी थी ना, वही उसमें लास्ट में डाल के निकाल लिया था। अभी हो रहा है शाम के टाइम, और आज है शनिवार, इसलिए बाहर का कुछ खा नहीं सकती हूँ। तो मैंने क्या किया था, चने का दाल को थोड़ा भिगो के रखी थी एक घंटा पहले, उसके अंदर थोड़ा सा हरी मिर्च और थोड़ा सा क्या धनिया का पत्ता, नमक, हल्दी, ठीक है, ये सब कुछ डाल के मिक्सी में पीस लिया था। पीसने के बाद इसका पकौड़ा बनाऊँगी, थोड़ा सा ही ऑयल डाली हो उसमें, सब एक साथ करके डाल के पकौड़ा बनाऊँगी और थोड़ा सा कॉफ़ी। शाम के नाश्ते में यही ले लेंगे आज हम, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब हल्का हल्का जब भूख लगती है ना तब कुछ भी बना के दे दो, खाने का मन ही हो जाते। इसके ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट मतलब डाल के फिर हमारा हो जाएगा शाम का नाश्ता। इधर से मून को भी दिया था, क्योंकि मैं ग्रीन चिली एक ही डाली थी, ज़्यादा ग्रीन लग रहा है धनिया का पत्ते के लिए। मून खाते इसी वजह से हम अभी हर एक खाने में ही तीखा कम डालते हैं, जिससे कि उसको प्रॉब्लम ना हो। और चलो कॉफ़ी भी बना लिया। मून और उसके पापा देख रहे थे टीवी, मून का जो टाइमिंग रहते है थोड़ा आधा घंटा, देखो ये एकदम कैसे, मून के पापा भी कार्टून देखने में बिजी है। एक्चुअली जब मून को हम टीवी चालू करके देखते हैं तो उसके पास हो सके तो मैं बैठती हूँ, नहीं तो मून के पापा बैठते, क्योंकि अभी बच्चे को अकेला टीवी के सामने बिठा के जाने से अच्छा हम लोग बैठे रहे तो ही अच्छा है, सेफ मतलब सेफ रहते हैं ना। तो वही हम अभी ले रहे थे हमारे शाम के नाश्ते, बस इसके बाद जो रात को होगा डिनर वही सब कुछ देखेंगे क्या बनाती हूँ, जो है उसी से चलेगा कि नहीं।
बस यही था हमारा आज पूरा दिन का रूटीन, आज और कल का। तबीयत में ठीक नहीं है बहुत ज़्यादा, मेरा सर घूम रहा था एक्चुअली, हाई पावर का दवाई ले रही थी इसके लिए। आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरे पैर में जो इन्फेक्शन हुआ है वो कैसा कैसा निशान छोड़ के गया है, देखो ऐसे लग रहे, हो सके तो गिर गई, एक्सीडेंट हुआ है, और नहीं तो किसी ने मारा पीटा होगा ना। पर जो इसमें इचिंग होता है ना, भयानक वाला इचिंग होता है, जगह बस दो चार जगह में ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। देखो ये तो मैं खुजली करते टाइम कटा गया था, इसमें इंजेक्शन भी लगा के आई और अभी दवाई भी चालू है, 15 दिन का चालू है, एक साथ ही लेके आई हूँ। एकदम से इधर से इधर से, मतलब पैर में तो चार जगह पे ही हुआ है और हाथ में बस एक ही जगह पे हुआ है। और अभी जो है ले रही हूँ मैं दवाई, जो दवाई रहते रात को एक ही दवाई रहते हैं, एक नहीं दो रहते, एक एलर्जी का और एक पता नहीं किसका, और एक रहते विटामिन सी का। चलो थोड़ा बात कर। हेलो ब्रेन, गुड नाइट। गुड नाइट बोल रही हूँ, 11 बजने में, अभी 10 मिनट बाकी है। आज दोपहर को ना बहुत ज़्यादा ही सो लिया था, और क्योंकि आज सैटरडे है तो सो लिया था, अभी तक नींद नहीं आ रहे हैं। और मैं वीडियो बना नहीं पा रहा, मतलब आज वीडियो कोई आया नहीं है, और मैं 2 दिन से ब्लॉग ठीक ठाक से बना भी नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली मेरा तबीयत डाउन है, एक के बाद एक के बाद एक होते ही जा रहा है। मेरे मुंह में अभी भी दवाई है विटामिन सी का। हमारे बैल्कनी में जो मधुमक्खी का ये था ना, उसको तो उनके पापा ने अभी 1 हफ्ता हुआ है, पिछले संडे उनके पापा ने उसको पूरा साफ कर दिया था। इतना बड़ा हुआ था, बहुत बड़ा हुआ था, उसको सुनने धुआं डाल के फिर साफ किया था खुद से ही। इतना सा हमको हनी भी मिला था, शहद जो है वो शहद भी मिला था हमको, अभी तक घर पे है वो। और उसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उसी से मून को भी एलर्जी हो गया और मुझे भी। पहले मून को हुआ था जैसे एक्जिमा टाइप का होता है ना, पूरा रेडनेस हो गया था उसको, कपड़े से हुआ था। वही मधुमक्खी की जो ये रहते ना चिटचिटापन, उसी सबसे कपड़े में आके शायद बैठता था, उसी से मून को हुआ था। फिर मून के पीछे तो हम 2 हफ्ता 3 हफ्ता ऐसे ही गया, उसके रैशेस कहाँ से हो रहे हैं, किस चीज़ से हो रहे हैं, कौन से खाने से हो रहे हैं, इसी को ढूंढने में लगा। बाद में जब मैंने डॉक्टर को बोला कि इसी चीज़ से होना पॉसिबल है क्या, जो ऐसे मधुमक्खी बहुत ज़्यादा हुआ था, फिर बैल्कनी में आके बैठ के रहता था, उनका बहुत गंदे भी था, तो बोला कि पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उनके खाने में ना ही हमने कुछ ऐड किया था नया मसाला वगैरह, या फिर कुछ ऐसा जो जिससे उनको एलर्जी है, या फिर उसको लगाने भी बॉडी में भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाए थे मैंने कि उससे उसको एलर्जी हो, पर हो गया था उसी चीज़ से। उसके बाद मुझे तो पूरा बॉडी में नहीं, जगह जगह में, मून को भी ऐसे सेम, मेरा इधर भी है थोड़ा, और ये टैटू के इधर भी है, इधर तो कुछ है, ये पूरा टैटू में मतलब हुआ है, इतना खुजली होता है, बहुत खुजली होता है। अभी दवाई लेने से थोड़ा सा ठीक है, पर ये दवाई ना बहुत ज़्यादा हाई पावर का है। बाय बाय।